पाकिस्तान जो लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बदनाम रहा है, अब खुद टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान से अलग होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा। बलूचिस्तान में विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण पाकिस्तान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बेहद अस्थिर हो चुकी है। ये क्षेत्र पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहाँ के लोगों की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही। पाकिस्तानी सरकार की अनदेखी और बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी ने इस क्षेत्र को विद्रोह की आग में झोंक दिया। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है और इस विभाजन से भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर क्या असर हो सकता है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसका क्षेत्रफल पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है। यहाँ कई खनिज और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें कोयला, तांबा, सोना और यूरेनियम शामिल है। बलूचिस्तान की जमीन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ के लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही है। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। यहाँ कोयला, तांबा, सोना, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिनका दोहन पाकिस्तान और चीन मिलकर करते हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से चीन का CPEC प्रोजेक्ट चलता है, जो चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट चीन के व्यापार और परिवहन को नया आयाम देने वाला है, और अगर बलूचिस्तान अलग होता है पाकिस्तान से तो CPEC पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने हमेशा उनकी अनदेखी की है। उनके लिए न तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है और न ही उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है। बलूचिस्तान के प्रमुख नेताओं ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। इनमें से एक प्रमुख नेता है सरदार अख्तर मेंगल, जिन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया। उनका साफ कहना था कि बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। यहाँ के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, जिससे उनकी नाराजगी अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। तो वहीं दूसरी तरफ विद्रोही संगठन जैसे BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी इसी नाराजगी का फायदा उठाकर वहां की जनता को उकसा रही है। अब अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो इसका भारत पर भी असर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान की राजनीतिक स्थिति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कमजोर होने का पूरा संकेत है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान और भी कमजोर हो जाएगा और इसका असर यहाँ की आंतरिक स्थिति पर पड़ेगा। भारत पहले से ही CPEC के खिलाफ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होके गुजरती है। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो CPEC पर बड़ा असर पड़ेगा और भारत के लिए ये लाभकारी हो सकता है। बलूचिस्तान का अलग होना भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता बढ़ेगी। ये पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों पर भी असर डालेगा, क्योंकि एक कमजोर पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों को उतना समर्थन नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है और बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब अंतिम चरण में है। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो उससे पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। इसका असर न केवल पाकिस्तान पर बल्कि भारत, चीन और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपका क्या कुछ कहना है? बलूचिस्तान को क्या पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।